नमस्कार, वार्ता में आपका स्वागत है। पांच राज्यों के चुनाव परिणाम देश की भावी राजनीति की क्या दिशा तय करेंगे, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, पांच राज्यों के चुनाव परिणाम है, उन्हें किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जब से महाविजय हुई है, मोदी सरकार आई है सत्ता में 2014 की मई में, तब से सारे ही राज्यों के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो गए। चाहे वो महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, हरियाणा का चुनाव रहा हो, इधर बिहार के चुनाव आप देखिए कि देश भर में चर्चित रहे। बिहार के चुनाव में तो नीतीश कुमार की जो जीत हुई उसकी खूब चर्चा हुई। दिल्ली के चुनाव हुए राज्य के, वो बहुत ज़्यादा चर्चा में रहे। उसी तरीके से ये जो पाँच थे राज्य, तो असम में, केरल में, तमिलनाडु में जो चुनाव हुए उनकी खूब ज़्यादा चर्चा हुई। और वो इसलिए हुई है क्योंकि राज्यसभा में जो है अभी भी एनडीए को जो है बहुमत नहीं है, और राज्यसभा का दिनों दिन महत्व बढ़ रहा है क्योंकि जो विधेयक लोकसभा से पारित हो रहे हैं वो राज्यसभा में जाकर अटक रहे हैं। पहली चीज, कांग्रेस का वर्चस्व अभी भी राज्यसभा में कायम है। दूसरी चीज, और इतनी 44 सीटों पर लोकसभा में से बैठने के बावजूद भी राज्यसभा में अपनी बात मनवा लेने में फिलहाल कांग्रेस सक्षम है, ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। तीसरा है कि एनडीए ने, मोदी ने जब से नेतृत्व संभाला है एनडीए का, तब से उन्होंने एक बड़ा नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत का। तो उस कांग्रेस मुक्त भारत के नारे को पूरा करने के लिए केवल लोकसभा की जो महाविजय है वो पर्याप्त नहीं थी, राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की, और एक लंबे समय तक आप देखिए कि जो बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, इधर गुजरात का, इन्हीं राज्यों पर भगवे रंग का असर दिखाई देता था। उसके ऊपर नीचे जो अगर कांग्रेस का नीला रंग मान ले और उस नक्शे को ध्यान से देखें जो दिखाया जा रहा लगातार, तो हम मान सकते हैं कि अपने अस्तित्व के लिए कई राज्यों में संघर्ष कर रही थी भारतीय जनता पार्टी और आज भी कर रही है। फिर तमिलनाडु जैसा राज्य हो, केरल जैसा राज्य हो, बंगाल हो, वहां अभी भी कर रही है और इन चुनावों में भी हमने देख लिया कर रही है। लेकिन इसका बड़ा हासिल यह है, जो दो बड़े राज्य कांग्रेस के पास थे वो उससे छिन गए। असम में और केरल में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, और उधर तो तरुण गोगोई को भी अपना जो है सिक्का हटाना पड़ा तीन लगातार, जो उन्होंने 15 साल तक सरकार चलाई थी उसके बाद। और इधर केरल में उमन चांडी की भी बड़ी बुरी हार हुई। तो इस चुनाव का महत्वपूर्ण पक्ष हम माने तो कांग्रेस से दो बड़े राज्यों का छिन जाना है, पहली चीज। दूसरी चीज है कि असम में, उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में सेंध लगाने के लिए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए भाजपा लंबे समय से संघर्ष कर रही थी, और पिछले लगभग 2 दशकों से संघ वहां पर, भारतीय जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसकी गतिविधियां लगातार वहां पर मजबूत हुई हैं। वो इस दृष्टि से कि भारतीय जनता पार्टी को वहां पर लाभ मिले, जीत मिले, लेकिन वो नहीं मिल रहा था। तो ये पहली बड़ी सफलता असम में पूर्वोत्तर के राज्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, और उन्होंने मिशन 84 यानी 84 सीटों का जो लक्ष्य रखा था उसके आगे जाकर सर्वानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री बनाने में सफल हुए, उनकी ताजपोशी होगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर उत्तर पूर्व में सफल हुई। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्षेत्रीय दलों का जो महत्व है वो अभी भी इस चुनाव की वजह से बरकरार है। आप देखिए कि अन्नाद्रमुक की जो जीत हुई है वो बड़ी उपलब्धि है। 84 के बाद तमिलनाडु में पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ताधारी दल के ही वापस जीत हुई है, वरना वहां पर जो पलटा लगता है जिसको हम कहते हैं, जैसा उत्तर प्रदेश में भी चलन है कि एक बार बहुजन समाजवादी पार्टी आती है, एक बार समाजवादी पार्टी आती है, वही की वही रणनीति तमिलनाडु के वोटरों की भी रही है। और वो कभी अन्नाद्रमुक को जिताते थे, कभी द्रमुक को जिताते थे, लेकिन 84 के बाद ये पहली बार हुआ है कि जो जयललिता की, अन्नाद्रमुक की सरकार है, वापिस से सत्ता में आई है। और उधर एक और महिला मुख्यमंत्री, जिनको पश्चिम बंगाल की शेरनी भी कहा जाता है, ममता बनर्जी, वो भी जीत कर आई हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी सरकार के कार्यों पर भी मोहर लगी है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अलग अलग राज्यों का अगर आकलन करें सिलसिलेवार, तो हम पाते हैं कि जहां जहां पर सीधी लड़ाई थी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, वहां पर तो कुछ सफलता मिली, हालांकि केरल में थी, लेकिन केरल में लेफ्ट ज्यादा मजबूत था। असम में सीधी लड़ाई में वो हार चुके हैं। बिहार में भी चूंकि सीधी लड़ाई नहीं थी, क्षेत्रीय दल सामने था, तो भारतीय जनता पार्टी महत्व नहीं बना पाई। पश्चिम बंगाल में क्षेत्रीय दल तृणमूल कांग्रेस के रूप में सामने था, भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ नहीं बना पाई। केरल में लेफ्ट पार्टी का महत्व था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी पैठ नहीं बना पाई। तमिलनाडु में द्रमुक और अन्नाद्रमुक की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अभी भी अपने अस्तित्व को तलाश रही है। कुल मिलाकर ये पांचों राज्यों के जो परिणाम है ये आने वाली राजनीति को निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण तरीके से प्रभावित करेंगे। असम की जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए टॉनिक का काम करेगी, क्योंकि दिल्ली और बिहार की दो बड़ी हारों की वजह से वो राज्यों के चुनावों को लेकर शंकित हो गए थे। कहीं ना कहीं अमित शाह और उनकी टीम का मनोबल गिर गया था, यहां तक कि जब अभी दूसरी पारी की बारी आई थी अमित शाह की, तो उनको बदलने तक की बातें हुई थी, और उनको बदलने की जो बातें हो रही थी उसके लिए बड़ा कारण माना जा रहा था वो दिल्ली और बिहार की हार को माना जा रहा था। लेकिन असम की जीत इसके मामले में टॉनिक का काम करेगी। जयदीप जी, वे कौन से कारण है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस तेजी से सिमट रही है?
हाँ, ये निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण प्रश्न है और कांग्रेसियों ने अलग अलग तर्कों और तथ्यों के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि लगभग 1000 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए और उसमें से कांग्रेस को तो लगभग 150 के करीब सीटें मिली और भारतीय जनता पार्टी को केवल 65। भारत की राजनीति और जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं वो इस तरीके से नहीं चलती हैं। सारे राज्यों के चुनाव की विधानसभा सीटों को जोड़कर आप एक स्टेटिस्टिकल आंकड़ा प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन ये जमीनी स्तर पर इसलिए मार खा जाएगा कि आपकी एक सीट से भी हार हुई है तो उस राज्य में आपकी सरकार तो चली गई है, आप बहुमत से पीछे रह गए तो कितनी भी सीटें आपके पास हो। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अब इन सारे आंकड़ेबाजी से, इन सब चूहलबाजी से बाहर निकलकर आत्ममंथन करना चाहिए। मैं बताता हूं, एक बड़ा कारण तो यह है कि कांग्रेस का जो नेतृत्व है, राहुल गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस की पार्टी जो है वो लगातार पराजय का सामना कर रही है और इस तथ्य से आंख मिलाने को कांग्रेस के नेता तैयार नहीं है। कांग्रेस की दिक्कत यह है कि उनकी मजबूरी राहुल गांधी है, लेकिन देश की मजबूरी तो राहुल गांधी नहीं है, इसलिए देश उस पर मोहर नहीं लगा रहा है। कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है कि गांधी परिवार के अलावा कोई भी पार्टी का नेतृत्व संभालता है तो सारे नेता उसको समर्थन करने को तैयार नहीं होती और कांग्रेस के टुकड़ों में बिखर जाने की आशंका बनी रहती है, जैसा एक समय में तिवारी कांग्रेस और इसके समय हमने देखा है। माधवराव सिंधिया ने और अर्जुन सिंह ने अपने अलग अलग पार्टी बनाकर और कांग्रेस के टुकड़े किए थे, तो उसी डर के चलते वो गांधी परिवार के व्यक्ति को आगे करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति अगर नेतृत्व में सक्षम नहीं है तो कांग्रेस हाशिए पर नहीं जाएगी, तो क्या होगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप संसद में बड़े बड़े भाषण देकर, चिल्लाकर, संसद को ठप करके पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं कर सकते। वार्ड के स्तर पर, मोहल्ले के स्तर पर, शहर के स्तर पर, जिला के स्तर पर आपकी इकाइयां कैसा काम कर रही हैं? जिले और शहर के स्तर पर तो आपने कांग्रेस के अध्यक्षों को बदलने तक की हिम्मत नहीं दिखाई, तो आपका जमीनी नेटवर्क जब मजबूत नहीं होगा तो वो इस तरह के हार के परिणाम में तो आप राज्यों में दिखाई देंगे। ये कितने शर्म की बात है कि जो कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ती थी और अपने दम पर सहयोगी तय करती थी, वो बिहार में एकदम बिल्कुल पिछलग्गू पार्टी बनकर सत्ता पक्ष के साथ खड़ी है। पश्चिम बंगाल में उसने इतनी बड़ी गलती करी लेफ्ट के साथ। आप बताइए, पश्चिम बंगाल के वोटर के सामने जब लेफ्ट प्लस कांग्रेस का गठबंधन खड़ा होगा तो उसके रूप में तो विकल्प उनके पास पहले से मौजूद है ना। ममता बनर्जी दरअसल कांग्रेस और वाम का एक सबसे बढ़िया सम्मिश्रण ही तो है। कांग्रेस से वो आती हैं, उनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की रही है, कांग्रेस के लिए उन्होंने लंबे समय तक काम किया, राजीव गांधी की करीबी सहयोगी रही हैं। वो तो प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति हैं वर्तमान में देश के, उनसे राजनीतिक मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया और निश्चित ही आज कांग्रेस पार्टी बहुत पश्चाताप कर रही होगी कि उस वक्त सोनिया गांधी जी ने रोकने की कोशिश भी की थी ममता बनर्जी को, उस कोशिश को और मजबूती से क्यों नहीं माना गया, क्योंकि सीताराम केसरी उस वक्त अध्यक्ष थे कांग्रेस के। तो वो ममता बनर्जी कांग्रेस से टूटकर आज इतनी मजबूत हो गई है कि उन्होंने कांग्रेस की विचारधारा के साथ साथ बाहर आई है कांग्रेस से, लेकिन सत्ता जो चलाई है मुख्यमंत्री के रूप में वो वाम दलों के रीति नीति पर चलाई है। तो वाम दलों और कांग्रेस का सबसे बढ़िया सम्मिश्रण तो खुद ममता बनर्जी है, फिर कांग्रेस प्लस लेफ्ट को वोट क्यों देंगी भला पश्चिम बंगाल की जनता? वैसे भी वहां की जनता जो है वो बहुत ज्यादा प्रयोगधर्मी नहीं है। लंबे समय तक कांग्रेस का शासन चला, लंबे समय तक वाम दलों का शासन चला, इसीलिए वो ममता बनर्जी को पूरा समय देंगे। कांग्रेस को यह समझ में आ जाना चाहिए था कि उनकी रीति नीति क्या हो, किस तरह की स्ट्रेटेजी वो अपनाए। केरल में वो वाम दलों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे और पश्चिम बंगाल में वो वाम दलों के साथ खड़े थे। जनता इन बातों को समझती और जनता इसी इन्हीं बातों के आधार पर कांग्रेस को हाशिए पर पटक देती। भाजपा ने असम में सर्बानंद सोनोवाल को आगे रखा, सफल भी हुई, क्या आपको लगता है कि अगले साल यूपी में भी यही रणनीति अपनाना चाहिए? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सबक है। उन्होंने दिल्ली में जो गलती की कि पहले तो कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही घोषित नहीं किया और बाद में अचानक किरण बेदी को आगे कर दिया और वो मिसफायर हुआ और उनको बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। बिहार में वो आखिरी समय तक अपनी रीति नीति तय नहीं कर पाए और उन्होंने इस चुनाव को जाने अनजाने मोदी बनाम नीतीश कुमार हो जाने दिया। सुशील मोदी को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया और कोई भी मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं होने की वजह से उनको जो बुरी हार का सामना करना पड़ा वो हम सब जानते हैं। लेकिन असम में उनकी यही नीति काम कर गई कि वो सर्बानंद सोनोवाल जो युवा नेता रूप में जाने जाते हैं, जो असम के स्थानीय क्षेत्रीय मुद्दों के लिए लड़ते रहे हैं, वो आंसू से आते हैं जो असम गण परिषद की छात्र विंग है और उन्होंने वहां पर छात्र नेता के रूप में अपनी गहरी पैठ बना ली थी। असम गण परिषद के नेता के रूप में भी वो काम कर चुके हैं और बाद में वो केंद्र में जब मंत्री रहे तो केंद्र के मंत्री के रूप में भी उनके काम जो है वो उल्लेखनीय और लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के इसमें। तो जब ऐसे व्यक्ति को, ऐसे तपे मंजे मंजाए चेहरे को, सर्वस्वीकृत चेहरे को जब उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया तो लोगों के मन में जो शंकाएं आशंकाएं थी वो सब दूर हुई और उन्होंने उनके मुख्यमंत्री के रूप में दावेदार के रूप। आप देखिए, जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सीधे सीधे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में सामने थे, जीत हुई। राजस्थान में वसुंधरा राजे के रूप में आपके पास मुख्यमंत्री का चेहरा था, आपकी जीत हुई। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के रूप में मुख्यमंत्री। तो जहां जहां पर लोगों के मन में संशय नहीं है कि हम किसको वोट दे रहे हैं और किसका नेतृत्व प्रदेश पर कब, एक दो और जगहों पर ऐसा था कि मुख्यमंत्री नहीं थे लेकिन बने, जैसे हरियाणा में खट्टर बने, झारखंड में भी आपने बाद में चेहरे को सामने किया। लेकिन जब दुविधा होती है तो दिक्कत होती है। महाराष्ट्र में भी बड़ी मुश्किल से
आपकी सरकार बन पाई हो, आप देवेंद्र फडणवीस को सामने ला पाए, जितनी आप स्पष्टता अपनी रीति नीति में रखेंगे, मुख्यमंत्री पद के चेहरे को सामने लाने में देर नहीं करेंगे, उतना भारतीय जनता पार्टी को सफलता राज्य में मिलने की संभावनाएं ज्यादा हैं। ये निश्चित तौर पर असम का सबक है। सर्वानंद सोनोवाल की मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुति ने यह साबित कर दिया है। चुनाव परिणामों के बाद में ममता ने कहा था कि वे GST का समर्थन करेंगी, क्या आपको लगता है कि ममता और जया NDA का हिस्सा बनेंगी? NDA का हिस्सा बनेंगी कि नहीं बनेंगी, ये दिलचस्प सवाल है और ये आने वाले जो चुनाव है उनमें हमको देखना होगा 19 के। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरीके का झुकाव इन दोनों का NDA की रीति नीति की तरफ बन रहा है वो दिलचस्प है और आने वाले समय में राष्ट्र की राजनीति को प्रभावित करेगा, खासतौर पर तब जब बाकी के दल नीतीश कुमार के नेतृत्व में लामबंद होने की बातें की जा रही हैं। वैसे में ममता बनर्जी और जयललिता पहले भी नीतीश कुमार वाले गठबंधन की तरफ दिखा चुके हैं कि उनका झुकाव ज्यादा नहीं है, तो उनका झुकाव अगर NDA की तरफ बना रहता है तो NDA के पक्ष में मजबूत बात है। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे 5 राज्यों के चुनाव परिणामों की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।